भाई साहब के लिए देखो कितना सारा लगा हुआ है, ये अकेले का ऑर्डर है। ఈరోజు వైజాగ్లో బీచ్ చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది భయ్యతో శాందార్ చలు अब क्या प्लान है हम लोगों का? खाना खाना। क्या? खाना खाना। खाना खाना है प्लान ये। और हम लोग अभी कहाँ पर हैं? दुकान पे। दुकान पर मतलब एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा सा, उस पर है। और किस आर के बीच के सामने ना, आर के बीच के सामने। भाई यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हो गई है कि यार यहाँ पर मतलब नॉन वेज में तो आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा खाने के लिए, और मम्मी है, मैं हूँ, और मेरी जो फैमिली है मतलब नॉन वेज सिर्फ वेज खाते हैं हम लोग। तो मम्मी कुछ थोड़ी तभी तो खराब है मम्मी की, तो कुछ अलग सा खाना था। तो भाई यहाँ पर खाने के लिए बड़ी दिक्कत है वेज वालों के लिए। तो अभी हम इस वाले मॉल पर आए हैं। कहाँ पर आए हैं? मॉल में आए हैं भाई, मॉल पर आए। और चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं क्या सीन होने वाला है। एंट्री और सीधे काफ़ी गर्मी के बाद थोड़ा ठंडा में अच्छा लग रहा है यार। आओ दुड़क्का चलो लो भाई, फूड एंड फूड गेड़े खुद हो गया लो ना। तो यहाँ पर अपना वेज कुछ भी खा सकते हैं हम, क्योंकि बड़ी टेंशन थी भाई, मतलब नॉन वेज हर जगह मतलब वही ढेड़ ढेड़ मुर्गा ही मुर्गा बिरयानी मुर्गा। तो अब यहाँ क्या आराम से कुछ भी हम प्रेफर कर सकते हैं खाने में, कुछ भी खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और वेज में सारा अलग चाइनीज़ नॉन वेज साउथ इंडियन प्योर वेज वेजिटेरियन हर तरह का मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन प्योर वेज सब तरीके का मिल जाएगा, जो भी खाना हो आपको। तो ये ठीक मुझे लगा और इसीलिए हमने ये सोचा कि हम लोग इधर चलते हैं। तो भाई सब बैठ गए, ये हो गया भाई, ठीक है रेडी चलो। आपने ऑर्डर क्या किया है? डोसा। कौन सा वाला है?
मसाला डोसा सही है, सबका डोसा फेवरेट डोसा। अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दो इनको, नाम बताओ, नाम बताओ अपना। अंशु त्यागी जी हैं हमारे, अंशु त्यागी जी। तो अंशु त्यागी जी आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में। अंशु त्यागी जी अच्छा कहाँ पर रहते हो? वाइजैक में रहते हैं। कौन से स्कूल में हो? फ्यूचर स्टेप स्कूल। तो अभी स्कूल चल रहे हैं, स्टडी चल रही है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? Yes. चल रही है परमानेंट या फिर अभी सिर्फ घूमना फिरना चल रहा है? परमानेंट पढ़ाई चल रही है भाई। तो मेरा नाम बताया आपको? नहीं, मेरा नाम भी नहीं बताया मेरे भाई। मेरा नाम पूछना चाहोगे? क्या नाम है बताओ? मेरा नाम है घुमक्कर कपेल। क्या नाम है? घुमक्कर कपेल। तो अभी भाई बैठे हुए हैं, ऑर्डर दे दिया है। कितनी तेज भूख लग रही है? बहुत तेज। कितनी तेज? बहुत तेज। बहुत तेज मतलब कितनी तेज? इससे भी बहुत तेज। बहुत ज्यादा तेज लग रही है। और यहाँ पर जो लोग बाग मतलब जितने पर हमारा डोसा भी आ गया है। ओ आ गया क्या? कौन लेके आ रहा है? पापा। पापा लेके आ रहे हैं। डोसा नहीं आया है, भटूरे आए हैं। ये लो भाई एक और भटूरा। फुल आपका, ये लो भर गया सारा टेबल भर गया। लो और आ गया। थोड़ा थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी। क्या हो गया? यहाँ पे पूरी टेबल भर गई है इतना सारा खाने। आपने तो स्टार्ट भी कर दिया। ओ भाई इतनी तेज भूख लग रही थी क्या? चलो खाओ। तो भाई सबके लिए आ गया 1 2 3 4 5 6 और एक और रवा डोसा जो कि यहाँ पर जगह बची नहीं है, पर अभी लगाते हैं इनको भी साइड से। आ गया रबा डोसा, मसाला डोसा, मसाला डोसा, पनीर डोसा, पनीर डोसा, भटूरे भटूरे। तो जल्दी से इन्हें खा जाओ। अब कोल्डिंग आ रही है मुझे। कौन सी चाहिए? थम्स अप। अच्छा फेंटा चाहिए। कोक नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? करंट लगता है उसमें। अच्छा भाई साहब के लिए देखो कितना सारा लगा हुआ है। ये अकेले का ऑर्डर है। तुम्हारे लिए कितना सारा खाना रखा हुआ देखो ना, अकेला खाया कितना सारा। ओ कितना खाने वाले हो भाई तुम अकेले यार। हैं कोई नहीं, इतना सारा ऑर्डर दे दिया तुमने। फेंटा भटूरे कैसे? मस्त बढ़िया। अच्छा ना भैया मस्त छोटू मस्त। सबके लत्ते बिखर गए भैया, सब कुछ नहीं बचा। लपेट दिया सबने, सब खा गए भाई। है मम्मी सही है? कैसा लगा डोसा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलो ठीक, चलो भाई फिनिश। अब चलते हैं जंगल एडवेंचर्स। दादागी है भाई, जंगल से चले भाई। ओह नकली है ये तो, सब नकली है भाई। ये घोड़ा वोड़ा है हुए।
कहाँ जा रहे हो? कानपुर। कानपुर बैठो मम्मी बैठो। सीट गए इसमें। हाँ कहाँ जा रही है? कानपुर। कानपुर तुम कहाँ पर जा रही हूँ? वाइजे। वाइजे पहुँच गए क्या? कहाँ पर? इलाहाबाद। इसके मुंह में क्या है? ठीक आ जाओ चलो। तो भाई यहाँ से अब जा रहे हैं, और अब जा रहे हैं बीच पे, आर के बीच, ऋषिकोंडा बीच। क्या कह रही हो? क्या देखो भाई, पहले ये क्रेन ना इस तरीके से पूरा बालू वगैरह पुल के यहाँ डाल रही है। ये देखो आ गई, ठीक है। और जो ये बालू डल रही है वो किस लिए डल रही है? वो डल रही है इसलिए, देखो इस तरीके बनाया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है भाई। सीधा चेंज, तो अब आ गए हम बीच पे, गोवा वाले बीच पे। तो ये बहुत ही शानदार नजारा है क्या मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त। आज नहाएंगे धोएंगे नहीं, क्योंकि भाई उस दिन काफ़ी नहा लिए थे, तो दिक्कत ही हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है, तो पास में चल लेंगे बस, नहाएंगे नहीं मगर यार आज। यहाँ देखो कैसी टूट मार पड़ रही है नहाने धोने के लिए, ये देखो। सॉरी यार आज नहीं भाई, आज नहीं। और यहाँ का तो गंदा ही पानी भाई, जो वो यार्डा बीच था ना उसके अब बात ही अलग है, यार्डा बीच की, तो यहाँ तो गंदा मामला है। नहाने के लिए सही नहीं है ना ये, इसे मज़ा भी नहीं आ रहा। यार्डा बीच बहुत अच्छा है, यार्डा जी आजी फुल फन कर रहे हैं। अरे भैया यहाँ तक, तो भाई भीगना तो है नहीं बिल्कुल भी, और भीग के कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आज कपड़े कपड़े ही लेके आए जो यहाँ पर चेंज भी हो जाए, तो मजा लीजिए इस यहाँ आ गए। चलते हैं भाई, बच के चलना पड़ेगा, गिर भी सकते हैं। हमारे भाई मिले हैं, भाई लोकल हैं यहाँ के, पर थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं, और जानते हम तो समझ ही नहीं पाते, पर भाई थोड़ा होता, तो भाई ने, मैं अकेला था यहाँ पर, तो भाई ने पूरा मेरा वीडियो वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ निकाला है। तो भाई 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 नेम नेम दास दास भाई का नेम दास दास तो भाई से मिलके बहुत मजा आया, और भाई ने मजे डाल दिए भाई, बाय कर दो भाई से। अपनी लैंग्वेज में कुछ ఈరోజు వైజాగ్ లో బీచ్ చోట చాలా ఆనందంగా ఉంది భయ్యతో, యాక్చువల్లీ వి ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్, నైస్ టు మీట్ యు, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, తో మిల్తే హై నెక్స్ట్ వ్లాగ్ మే। तो भाई यहाँ का मजा अलग है, और काफी मजा है।
सकते हो कितनी सुंदर मूर्त बना दी है जिया जी ने। कौन है ये? ओ, ओ तेरी बचिया क्या मजे आ रहे भाई। शानदार। चलो भाई तो निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी इन्जॉय हो गया, अब कोई इन्जॉय नहीं करना है, अब सिर्फ यहाँ से सीधे निकलना है और देखते रहिए घुमक्कड़ का तेल।